आज ऑनलाइन कक्षा में हम अध्ययन करेंगे पैसिव वॉइस के आगे वाले भाग में, यानी हु का जो पैसिव वॉइस होगा उसको हमें बाई हूम से आरंभ करके बनाना है। तो विशेष ध्यान रख लेना, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि वाक्य हु से शुरू दिया हुआ हो, तो जो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट है उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ होगा, क्योंकि हु के साथ सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। केवल वर्ब की जो मेन फॉर्म है, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो उसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दिया होगा, या सिंपल पास्ट में है तो हमें केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी हुई होगी, और बाकी जो टेंस सेज है उनमें बाकी हेल्पिंग वर्ब दी हुई होगी, उसके अनुसार बदल देंगे। लेकिन विशेष ध्यान रखना है, हु से यदि वाक्य शुरू होता है, अपना आरंभ होता है, तो हमें बाई हुम से आरंभ करके उस वाक्य को बनाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो सबसे पहले हमें हु के स्थान पर लगाना है बाई हुम, बाई हुम, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें लेना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में थर्ड फॉर्म लगाकर उसे बना देना है। इसमें बाई नहीं लगेगा क्योंकि बाई हमने शुरू में लगा दिया है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। हम सेंटेंस देते हैं, सबसे पहले नंबर एक, मान लो हमें पहला वाक्य दिया हुआ है हु ब्रोक दिस पेन, हु ब्रोक दिस पेन। अब यहां से पता लगेगा कि वाक्य सिंपल पास्ट में है, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि बाई वूम लगाना है, बाई वूम। अब हेल्पिंग वर्ब लेना है, तो हेल्पिंग वर्ब लेंगे हम जो इसकी वर्ब दी हुई है उसके आधार पर। तो हेल्पिंग वर्ब ले ली हमने यहां इज आर एम की जगह वाज और वर। यदि प्रेजेंट में होता तो हम लेते इज आर एम, लेकिन यह पास्ट में है तो हमने ले लिया दिस पेन, सिंगुलर नाउन है इसलिए आ गया वाज दिस पेन, और ब्रेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ब्रोकन, ब्रोकन, ब्रेक ब्रोक और ब्रोकन, फिर इंटरोगेटिव साइन लगा देंगे। इस प्रकार अपना वाक्य बन गया बाय हुम वाज दिस पेन ब्रोकन। अब यही सेंटेंस मान लो हमें प्रेजेंट सिंपल में दिया हुआ था कि हु प्लेज, हु प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेलता है, हु प्लेज क्रिकेट। अब हु को हम बदल देंगे एंस बनाते समय, सबसे पहले बाई वूम, बाई वूम। अब हमें देखना है कि वाक्य सिंपल अपना प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट में हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है बदलते समय, इसमें ध्यान रखना है इज आर एम। यदि सिंपल प्रेजेंट में वाक्य हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम इज आर एम लगाते हैं, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो क्रिकेट एक सिंगुलर खेल का नाम है, तो इज क्रिकेट, इज क्रिकेट प्लेड, बाय वूम इज क्रिकेट प्लेड, और इंटरोगेटिव साइन। अब मान लो हमें कोई अदर टेंस में दिया हुआ जाए कि हु विल, हु विल सेंड यू ए मैसेज, ए मैसेज, हु विल सेंड यू ए मैसेज। अब विल को देखते ही और फर्स्ट फॉर्म को देखते ही पता लग गया कि अपना जो सेंटेंस है वो है सिंपल फ्यूचर में, यानी फ्यूचर इंडिफिनिट में है। तो हु को तो हमें सबसे पहले याद ही रखना है, बाय वूम लगा देंगे। अब विल का विल उतार देंगे क्योंकि कर्ता आई और वी है नहीं। अब हमें लेना है ऑब्जेक्ट, तो मेन वर्ब के बाद में वो है ऑब्जेक्ट यू, तो विल यू। अब इसके साथ में हमें जोड़ना है बी,
पीछे वाले नियमों में जो दिया हुआ वो सेम ही नियम है, इसमें केवल पहले याद रखना है कि बाय वूम जोड़ना है। बाय वूम विल यू बी सेंट ए मैसेज का ए मैसेज हो जाएगा, ए मैसेज इंटरोगेटिव साइन। अब इसमें हमने ले दिया फोर्थ सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस में मान लो हम लेते हैं कि हु इज बाइंग, हु इज बाइंग ए न्यू कार, हु इज बाइंग ए न्यू कार। पैटर्न वही है, बाय वूम ए न्यू कार सिंगुलर नाउन है, इसलिए इज का इज रहेगा, इज ए न्यू कार। अब प्रेजेंट कंटिन्यू का है तो प्रेजेंट कंटिन्यू में हमें बींग जोड़ना है, तो इसमें हम जोड़ देंगे बींग, बाय वूम इज ए न्यू कार बींग बोट इंट्रोगेटिव साइन एंड प्रश्नवाचक निशान। अब इस प्रकार आगे सेंटेंस लेते हैं हम इसमें कि मान लो हमें परफेक्ट टेंस में कोई सेंटेंस दिया हुआ जाए तो उसको कैसे बनाएंगे। तो चलो लेते हैं कि सेंटेंस नंबर फिफ्थ, हु हैज, हु हैज संग ए सॉन्ग। सेंटेंस है हु हैज संग ए सॉन्ग। अब हमें सबसे पहले लगाना है बाय वूम, बाय वूम हेल्पिंग वर्ब ए सॉन्ग सिंगुलर नाउन है तो हैज का हैज उतार देंगे, हैज ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए बीन है वो मेन वर्ब के आगे जुड़ जाएगा, तो बीन थर्ड फॉर्म लगी हुई है संग, तो सेंटेंस बना देंगे इस प्रकार से, क्या बन गया बाय वूम हैज ए सॉन्ग बीन संग। अब आगे हमने लिख दिया मान लो कि पास्ट में दे दे हु हैड डन, हु हैड डन दैट वर्क, हु हैड डन दैट वर्क। तो एंस हम बना देते हैं इसमें कि बाई वूम, बाई वूम हैड है तो कोई ना तो सिंगुलर और प्लूरल का कोई झंझट नहीं है। फिर ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है अपना दैट वर्क, अब जोड़ देंगे बीन, यानी परफेक्ट टेंस चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो तीनों में हमें बीन जोड़ना है, क्या जोड़ना है बीन जोड़ना है, बीन डन थर्ड फॉर्म इसमें दी हुई है डन और इंटरोगेटिव साइन। इसी प्रकार मान लो हमें पास्ट कंटिन्यू का सेंटेंस दे दे कि हु वॉज, हु वॉज कटिंग the trees, who was cutting the trees। अब इसका एंस बनाते हैं by whom, अब the trees बहुवचन है इसलिए यहां were आएगा, were। अब ऑब्जेक्ट ले लेते हैं कि बाय वूम वर द ट्रीज, अब जोड़ना है हमें बीइंग की कंटिन्यू टेंस है उसमें हमेशा बीइंग जुड़ेगा, तो बीइंग बाय वूम वर द ट्रीज बीइंग कट की थर्ड फॉर्म वापस कट ही रहेगी। अब मान लो हमें सेंटेंस दे दिया वापस इस प्रकार कि हु इज सेलिब्रेटिंग, हु इज सेलिब्रेटिंग
बर्थडे, जन्मदिन कौन मना रहा है। तो सबसे पहले हम वही पैटर्न अपना कि बाई वो अब बर्थडे सिंगुलर है तो इज बर्थडे, बर्थडे तो बाय वूम इज बर्थडे बीइंग, बीइंग सेलिब्रेटेड और इंटरोगेटिव साइन। इस तरीके से अपना जो बाय वूम लगाकर पेशवेश बनाना है वो आराम से बन जाएगा। बस केवल बेसिक जो नियम है उन बेसिक नियमों को भी याद रखना है, जो पीछे हम टेंशन के अनुसार पेशवेश की है उनके अनुसार पूर्णतः याद रखते हुए इसको हल करना है।